दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्वलंत जो एक प्रॉब्लम है मारुति 800 में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इस कार में किसी भी तरीके का जो बॉटल होल्डर है उसका ना होना। तो गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि इस गाड़ी में ऐसी कोई भी प्रोमिनेंट जगह नहीं है या फिर डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है या फिर होल्डर नहीं है जिसमें हम किसी भी तरीके की आइदर 1 लीटर और 1/2 लीटर की जो बॉटल है वो फिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डायग्नोस करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये जो दो मैंने बॉटल होल्डर साइकिल और जो रिटेल मार्केट शॉप है वहाँ से जो खरीदे हैं, इनको हो सकता है हम कहीं पर फिक्स करें। तो सबसे पहले हमें वो सूटेबल जगह देखनी होगी जहाँ पर इन बॉटल होल्डर को आसानी से फिट किया जा सकता है। जो एक बहुत ही यूजुअल जगह है जो सब सभी गाड़ियों में सबसे कॉमन होती है, वो है दरवाजे वाली। ये जो पोर्शन है ये एक कॉमन जगह है जहाँ पर बॉटल होल्डर यूजुअली आता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये जो हैंडल है घुमाने वाला, इस कारण से ये जो एक पूरा गोल सर्कल है ये पूरा ब्लॉक है यहाँ तक, बल्कि थोड़ी सी और स्पेस हमें चाहिए होगी तो यहाँ तक ये हिस्सा ब्लॉक है। अब इतनी सी जगह में जैसे अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो जगह है ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो 1/2 लीटर वाली बॉटल को तो हम आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं, पर समस्या ये होगी कि 1 लीटर वाली अगर बॉटल हम लगाना चाहें तो शायद वो ना आए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि 1 लीटर वाली ये बॉटल है, और अगर लग भी जाती है जो हैंडल है वो ठीक से प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये जो जगह है ये 1/2 लीटर के लिए ठीक है, लेकिन 1 लीटर के लिए ठीक नहीं है। दूसरी जगह मेरे पास में मुझे समझ में जो आ रही है वो है इसका जो कंसोल है, जो म्यूजिक कंसोल जो मैंने लगाया उसके यहाँ पर ये आसानी से माउंट हो सकता है या फिर यहाँ पर ये जगह इतनी कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम अदर चीज़ें भी रखते हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। एक जगह है यहाँ पर कि यहाँ पर इस चीज़ को रखा जा सकता है, पर अगेन वही गियर डालने में, हैंड ब्रेक पकड़ने में ये प्रॉब्लम यहाँ पर जाएगी। इसके अलावा तीसरी जगह मुझे समझ में आती है वो है यहाँ पर इसको आसानी से लगाया जा सकता है और 1 लीटर 2 लीटर जितनी चाहे, यहाँ पर तो इतनी जगह है कि 2 लीटर की बोतल भी आसानी से आ सकती है। पर वही है कि ये अप्रोच वाइज इतनी अच्छी शायद ना हो, और अगर मैं इसमें होल्डर लगाने की कोशिश करूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे होल्डर लगेगा और होल्डर को लगाने के बाद में बॉटल जो है होल्डर के ऊपर से फंसती है कुछ इस तरीके से। जैसे ये होल्डर लगा हुआ है तो हमें बॉटल इसके ऊपर से फंसानी होगी, तो यहाँ पर ऊपर रखने के लिए जगह नहीं है, ऊपर नहीं ले जा सकते और बॉटल को सीधा फंसाया नहीं जा सकता, तो ये जगह भी फ्लॉप हो गई है। मतलब हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ऊपर भी स्पेस हो और चारों तरफ स्पेस हो। तो अल्टीमेटली हम वापस घूम के आते हैं जो डोर है इसका उसमें, और एक जगह मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लग रही है और वो है इस डोर का हैंडल के पीछे वाला हिस्सा। अब वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे हम दरवाजे को लगाते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जो हमारे कहें कि जो हमारी सिटिंग है उसके पीछे होती है, और जब हम यहाँ बैठते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल रख दी जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, और अगर 1/2 लीटर की रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक जगह मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। और सिमिलरली अगर ड्राइवर साइड गेट की मैं अगर बात करूँ तो ड्राइवर साइड का जो गेट है वहाँ पर भी ये जगह सूटेबल लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटल आसानी से आ सकती है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से फिट हो गई है। और ड्राइवर साइड ही इसलिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा क्योंकि ड्राइवर की जो सीट है वो काफ़ी, जब भी कोई नया ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो वो सीट को एडजस्ट करता है, और जो कंपैरेटिवली जो थोड़ी कम हाइट के जो बंदे होते हैं वो सीट बहुत ज़्यादा आगे करके चलाते हैं तो वहाँ पर वो सीट फंस सकती है। लेकिन जो को ड्राइवर है या फिर जो पैसेंजर सीट है, मतलब जो राइट हैंड की साइड वाली सीट है, वहाँ पर इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती है। मतलब यूजुअली लोग आगे होकर बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो सीट है एक तरीके से फिक्स होगी। तो पहली जो जगह है वो तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि एक जगह यहाँ पर लगाई जा सकती है इस वाली सीट पे।
तो आइए इसको पहले लगाते हैं और फिर दूसरी जगह पे दूसरी बॉटल के लिए भी जगह ढूंढेंगे। को लगाने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ बॉटल होल्डर चाहिए, कुछ स्क्रू चाहिए और उनको कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी नापा तोली कर लेते हैं। इस तरीके के जो कट स्क्रू होते हैं उनकी सहायता से हमने इसमें ये जो छेद है ये कर लिए हैं। और अब हमें इसका ये जो बॉटल होल्डर है, ये बॉटल होल्डर इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये जगह ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है जो कि बॉटल होल्डर के लिए यूजेबल हो सकती है। और एक और जगह हमने सेलेक्ट की है जो कि गाड़ी के बूट में है, तो हम आपको वो भी जगह दिखाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको लगा देते हैं। इधर की जद्दोजहद के बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो बॉटल होल्डर है वो हमने अपने जो को ड्राइवर या फिर कहें कि जो पैसेंजर साइड का जो डोर है उसमें हमने फिट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि 1 लीटर की बॉटल बड़ी आसानी से आ सकती है, लेकिन हाँ जो होल्डर का साइज़ है उसके हिसाब से अगर 0.5 लीटर की बॉटल लगाएं तो ज़्यादा अच्छी होगी। देख सकते हैं कि लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस है और बैठने में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। वैसे मैं इसमें बैठ के देख चुका हूँ। अभी फ़िलहाल हमें करना ये है कि क्योंकि कम से कम 2 बॉटल होना चाहिए, एक हमारे साथ में होना चाहिए, तो बाकी इस जगह पर और कोई ऐसी जगह नहीं है। तो अभी एक और जो बॉटल है उसके लिए मैंने जो जगह देखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरी जगह है वो है हमारे इस बूट में अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चाहे तो दोनों तरफ एक एक लगा सकते हैं। ये मैं इस तरफ नहीं, खाली एक ही तरफ लगाया क्योंकि मैंने 2 बॉटल होल्डर ही मंगवाए थे। तो फिलहाल ये भी है और इसमें भी बॉटल बहुत आसानी से आ सकती है। आइए इसमें लगा के देखते हैं। तो मेरे पास में ये एक बॉटल है जो शायद थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी इसमें, पर ये बहुत आसानी से फिट हो गई है। और इसी तरीके से जो हमने आगे की तरफ एक बॉटल लगाई है वो भी काफ़ी बढ़िया फिट हो गई। मैंने आपको कहा था कि इसमें 1 लीटर की बजाय अगर 0.5 लीटर की बॉटल लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने इसमें से 1 लीटर की बॉटल निकाली और ये 0.5 लीटर की अगर मैं इसमें फंसाता हूँ तो ये बिल्कुल ही सही फिट आ रही है। दरवाजे को अगर अपन झटके से खोलते हैं तो भी ये नहीं गिरेगी। और जो ये वाली जो बॉटल है ये इसको हम पीछे लगा सकते हैं, गेट लगाने पर भी वैसी ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। और यहाँ से ये भी काफ़ी बड़ी बॉटल है, तो इस बॉटल की बजाय अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये आसानी से आ सकती है। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको मारुति 800 में बॉटल होल्डर को इंस्टॉल करना बताया आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टास्क के साथ में, कुछ नया करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।